नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जे टेट मेंस की। देखिए, जो लोग टेट पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए जो बहाली आने वाली है 26,000 टीचरों की, 26,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है, इसके लिए आप लोगों को एक और एग्ज़ाम देना होगा, जो एग्ज़ाम JSSC के द्वारा लिया जाएगा। तो JSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा JTET मेंस के लिए 26,000 टीचरों के लिए, तो इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इन सारी जानकारी के साथ साथ में आज के इस क्लास में मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान झारखंड का, देखिए एक चीज़, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ये मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ कि यही आएगा। देखिए, आप जानते हैं यूपी में भी टेट के बाद सुपर टेट होता है, उत्तर प्रदेश में भी टेट के बाद सुपर टेट होता है, उसके बाद शिक्षकों की बहाली होती है, अन्य राज्यों में भी इसी तरह का होता है। तो अन्य राज्यों का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार में हम आपको कह सकते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान भी आएगा। आपको झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड की अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड आज की जो क्लास है, यहाँ पर हम झारखंड जीके GS को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर में अवस्थित है। जो झारखंड राज्य है, हम विश्व के मानचित्र में देखेंगे, विश्व के मानचित्र में देखने के बाद ये किस गोलार्ध में अवस्थित है ये आपको बताना है। तो झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देने की है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है, तो ये क्लियर हो गया, झारखंड राज्य के विश्व के मानचित्र पर कहाँ पर अवस्थित है। देखिए, आप JSSC के एग्जाम्स को देखेंगे तो JSSC के एग्जाम्स में झारखंड के प्रश्न जरूर आते हैं और आएंगे भी। तो उस हिसाब से आपको भी झारखंड का भूगोल, झारखंड की इतिहास, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड के खेलकूद, झारखंड की बहुत सारी जो अन्य चीज़ें हैं, इसको भी आपको जान लेना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य की जो सीमा है देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो ये पांच राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। कौन कौन सा है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो पूरब में झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है, जिसकी सीमा को टच किया जाता है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है। चार ये हो गया, एक और पांचवा पश्चिम और उत्तर के कोना में हमारा उत्तर प्रदेश है। तो झारखंड की सीमा पांच राज्य की सीमा को टच करता है, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम और उत्तर के कोना में उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
कहता हाल ही में झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि 14 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। इसमें यदि आप देखेंगे तो हाथियों की संख्या 24 है। पलाश की फूलों की संख्या भी 24 है। इसमें पलाश के फूल हैं, पलाश के फूलों की संख्या ये भी हमारा 24 ही है। नृत्य करते हुए जोड़ों की संख्या भी 24 है। तीन चीज 24 है, हाथी 24, पलाश का फूल 24, नृत्य करते हुए जोड़ा कितने हैं 24 है। गोल घेरों की संख्या क्या है 60 है। अगला प्रश्न है, झारखंड की अस्मिता का प्रतीक झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है? यहां पर आप देख रहे हैं नहीं करता है, किस विचार को रेखांकित नहीं करता है? नया विचार, जो नया प्रतीक चिन्ह है ये नया विचार का द्योतक है, इसको रेखांकित करता है। नया संकल्प को भी रेखांकित करता है, नई सोच को भी रेखांकित करता है। नया राज्य नहीं है, हमारा जो राज्य झारखंड पहले से है, 2000 ईस्वी से जो ये हमारा चला हुआ आ रहा है, 15 नवंबर 2000 वही चला आ रहा है। ये नया राज्य की बात नहीं कर रहा है। नया राज्य करना मतलब झारखंड का टुकड़ा करना, दो अलग राज्य बनाना। तो यहाँ पर झारखंड राज्य की टुकड़ा की बात नहीं है। नया विचार, नया संकल्प, नई सोच, तो नया राज्य नहीं, ये हमारा रेखांकित नहीं करता है। पांचवा प्रश्न है, नए राज्य चिन्ह का हरा रंग निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? हरा चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। चलिए, हरा चिन्ह यानी हरा रंग ये किसका प्रतीक है, क्या प्रदर्शित करता है हरा रंग? हरा रंग हरियाली। आप देखते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं, घास फसल वगैरह, जब हरा भरा रहता है मतलब वो लहलहाता है तो उसका रंग कैसा रहता है? हरा रहता है। तो हमारा पूरा राज्य में हरियाली छाई हुई रहती है, वन संपदा है, तो इसी का ये परिचायक है। संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली वन संपदा का परिचायक है, तो ये राइट आंसर होगा। यहाँ प्रश्न है, नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? हाथियों की संख्या 24 है। हाथियों की संख्या कितनी है? 24 है। ये जो हाथी दिए गए हैं राज्य चिन्ह में, ये क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ये सभी कथन आपके सत्य हैं। क्यों? जो 24 हाथी हैं राज्य चिन्ह में, वो हमारा राज्य का ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, पहला। दूसरा, झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता को भी प्रदर्शित करता है। साथ में जो भी बाधा होगा,
बाधाओं को तोड़ते हुए दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है। तो ये तीनों ही सही है, मतलब चौथा होगा इनमें सभी कथन सत्य है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ये क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि झारखंड आप जो जेटेट मेंस दे रहे हैं झारखंड टीचर के लिए ये देने वाले हैं, इसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। क्लास तो मैं बाद में लूँगा, अभी मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह की प्रश्न आपके जेटेट मेंस के लिए, जो 26,000 शिक्षक की बहाली होने वाली है जिसका जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे ये मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप यदि 26,000 शिक्षकों से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में आपको जेटेट मेंस लिखना है, जेटेट मेंस लिखना है, या फिर आपको लिखना है झारखंड सुपर टेट, झारखंड अनजेटेड सुपर टेट, झारखंड सुपर टेट आप लिख सकते हैं, झारखंड का झारखंड सुपर टेट लिख करके हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। यथवा हमारा टेलीग्राम चैनल है SB एग्जाम, आप @SBExam टेलीग्राम में सर्च करिएगा, वहाँ पर SB एग्जाम हमारा टेलीग्राम आ जाएगा, उसमें जुड़ जाइए। यहाँ पर हम बहुत सारा अपडेट्स हमेशा देते रहते हैं ताकि आपको आपकी तैयारी में कोई परेशानी नहीं हो सके। हमारा जो पेड कोर्स है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 26,000 शिक्षक वाली क्लास का बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। यदि आप उसमें भी जुड़ कर के तैयारी करना चाहते हैं, आपकी मैथ रीजनिंग वगैरह कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक से एक अच्छे ट्रिक्स आपको मिलेंगे झारखंड के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप जान रहे होंगे ऑनलाइन में अभी तक हम 10,000 लोगों को पेड कोर्स में अभी तक जोड़ चुके हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। साथ ही साथ हमारा आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास का झारखंड का नंबर यूट्यूब चैनल भी है, नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जहां पर हम हैं। यहां का जो हमारा ऑफलाइन क्लास है अपने में यूनिक है। तो चलिए आप टॉप फैकल्टी के साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें जेटेट मेंस लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करना है क्योंकि हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं, इसलिए कॉल आपको नहीं करना है। चलिए सातवां प्रश्न, नए राज चिन्ह का पलाश का फूल, निम्न में से क्या दर्शाता है। हम लोगों ने देखा कि पलाश की फूल का संख्या कितनी है, 24 है। पलाश की फूलों की संख्या कितनी है, 24 है। तो ये पलाश का फूल क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। देखिए पलाश का फूल जो है ये प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है, सुरम्यता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरम्यता, तो ये राइट आंसर है। यहाँ प्रश्न देखिए, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज चिन्ह में स्थान दिया गया है जो निम्न में क्या दर्शाता है। जनजातीय कला, को स्थान दिया गया है तो ये जो जनजातीय कला है ये क्या दर्शाता है, आप बताइए क्या दर्शाता है। तो देखिए झारखंड राज्य की जो समृद्धि है और विविधतापूर्ण परंपरा है, विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उनकी निराली संस्कृति और धरोहर, जो हमारा
पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर जो संस्कृति चली आ रही है, धरोहर जो हमारा कायम है, इसको दिखाने के लिए जनजातीय कला को स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरा होगा। नौवां प्रश्न है, नए राज चिन्ह के केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को उकेरा गया है। केंद्रीय भाग में यानी बीचों बीच में, जो निम्न में से क्या दर्शाता है? अशोक स्तंभ जो केंद्रीय भाग में ये दिखाया गया है, ये क्या दर्शाता है? केंद्रीय भाग मतलब संघवाद, संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका। हम लोग क्या हैं? भारत क्या है? संघों का एक ग्रुप है, अलग अलग। तो यहाँ संघवाद में झारखंड की जो सहभागिता है, इसको दिखाया गया है। हमारा ऐप है SB एग्जाम, SB एग्जाम प्ले स्टोर में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको JTET मेंस का कोर्स 20 दिसंबर के बाद अवेलेबल होने वाला है। वहाँ से आप JTET मेंस का यानी झारखंड सुपर टेट का जो 26,000 शिक्षकों की बहाली होने वाला है, उसका कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 20 दिसंबर के बाद से। यदि आप हमारे साथ में जुड़ करके, टॉप फैकल्टीज के साथ में जुड़ करके घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से अपने कोर्स को परचेज करिए। अथवा यहाँ पर आप बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आप कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। किसी में भी आप यदि लिखते हैं तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम आपको जब पेड क्लास में कोर्स में ऐड होंगे तो वहाँ पर क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, नोट्स का PDF मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ये सारा कुछ मिलेगा ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। और यदि एक भी सीट की वैकेंसी निकलती है तो वो सीट आपका ही हो, इसको ध्यान में रख करके हम लोग तैयारी करवाते हैं। चलिए दसवां प्रश्न है, झारखंड के राजकीय प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राजकीय प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत उत्तर आपको बताना है। देखिए, झारखंड का राजकीय पुष्प जूटिया मोनोस्पर्मा, ये सही है, ये राजकीय पुष्प है। झारखंड का राजकीय वृक्ष सौरिया रोहतस्ता, ये भी सही है। झारखंड का राजकीय पक्षी अफ्रीकी कोयल, नहीं है, ये अफ्रीकी कोयल नहीं है, अफ्रीकी कोयल नहीं है, ये हमारा है एशियाई कोयल है लेकिन एशियाई कोयल है, इसलिए ये हमारा गलत है। ये गलत की पहचान करना है तो ये आंसर होगा। देखिए, 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी और टेट पास झारखंड में लगभग 1,00,000 हैं, लगभग 1,00,000 हैं, तो लगभग 75,000 का बहाली नहीं होगा, यानी 75,000 इस बार भी छूटेंगे, इतना लोग छूटेंगे। अब इसमें कौन नहीं छूटेगा? जो अभी से तैयारी करेगा। यदि अभी से आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये 75,000 वाले में जा सकते हैं। यदि अभी से तैयारी करके रहते हैं तो आप 26,000 वाले में आएंगे। आपको सोचना है कि आप 26,000 वाले में रहेंगे या 75,000 वाले में रहेंगे। यदि 75,000 वाले में रहेंगे तो सोचते रहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तब हम पढ़ेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, फॉर्म फिलअप कर लेंगे तब पढ़ेंगे, एग्जाम का डेट आ जाएगा तब पढ़ेंगे, तब तैयारी करेंगे। यदि 75,000 वाले में आपको रहना है तो, और यदि 26,000 वाले में रहना है तो आज का आज तैयारी शुरू कर दीजिए।
क्यों नहीं आप सेल्फ स्टडी करिएगा, हमारे पास मत पढ़िए, कोई दूसरा कोचिंग के पास क्यों नहीं पढ़िएगा, लेकिन आज से तैयारी करने शुरू कर दीजिए, आज से तैयारी करने शुरू कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन झारखंड के राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है? झारखंड के राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है, क्या झारखंड के राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है? देखिए आम जो है ये हमारा शामिल नहीं है, पलाश का फूल राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, सखुआ राजकीय वृक्ष हो गया, कोयल राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, आम राज्य का राजकीय प्रतीक में किसी भी रूप में शामिल नहीं है, तो हमको जो शामिल नहीं है इसको खोजना है, ये हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से किस भारतीय भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है? जंगल झाड़ी है, तो शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है, किस भारतीय भाषा में, किस भारतीय भाषा में झारखंड का अर्थ क्या होगा? जंगल झाड़ी। तो ये हमारा है कुड़माली में, कुड़माली, कुड़माली में झाड़ का मतलब होता है जंगल झाड़ी, जंगल झाड़ी कुड़माली की यदि हम बात करें तो, और खंड का अर्थ होता है प्रदेश, प्रदेश यानी जंगल झाड़ी का प्रदेश, जंगल झाड़ी का प्रदेश झारखंड, जंगल झाड़ी का प्रदेश, ये किस भाषा में होता है? कुड़माली में, कहीं कहीं आपको कुड़माली भी लिखा हुआ मिल जाएगा। 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र, ताम्रपत्र जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, इस ताम्रपत्र में, ताम्रपत्र में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख मिलता है? ये जो हमारा ताम्रपत्र है जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है 13वीं शताब्दी ईस्वी का, कब का? 13वीं शताब्दी ईस्वी पत्र का, उसमें किस शब्द का उल्लेख है? यदि आप 13वीं शताब्दी का, 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र को देखेंगे जिसमें आपका झारखंड शब्द, झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है? झारखंड शब्द जो हमारा प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, यही हमारा प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, तो यहां पर हो जाएगा राइट आंसर झारखंड। झारखंड में कौन ऐसा स्थान है जहां से तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है? तीनों पाषाण काल का अवशेष, तीनों पाषाण काल कौन कौन पाषाण काल है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इन तीनों जगहों से, तीनों जगहों से पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। इसमें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, ये तीनों पाषाण काल का है। आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बौद्ध मठ के अवशेष, किसका अवशेष? बौद्ध मठ के अवशेष, यदि बौद्ध मठ के अवशेष की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला में एक जगह है सीतागढ़ पहाड़, क्या है? सीतागढ़ पहाड़, वहां से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बुद्ध की चार आकृति युक्त एक स्तूप और काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिला है।
तो बौद्ध मठ कहाँ से मिला है? हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से। तो दोस्तों आज हम ये क्लास नहीं ले रहे थे आप लोगों का, हम आज ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर बहुत सारे तरह की जानकारियाँ सभी सब्जेक्ट का, रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न आएंगे, आपका अदर सब्जेक्ट मैथ वगैरह से किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये फ्री में डेमो क्लास में आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहेंगे डेमो क्लास अच्छा लगेगा तो हमारा पेड कोर्स में ज्वाइन करेंगे, अन्यथा आप सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर दूसरे सर का जिनका क्लास आपको अच्छा लगेगा उसके पास ज्वाइन करेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप है, इस पर कॉल नहीं करेंगे, कॉल हम रिसीव नहीं करते हैं, चूँकि क्लास के समय में हम रहते हैं तो कॉल रिसीव नहीं होता है, आप लोग कॉल नहीं करेंगे, लेकिन इस पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। कॉलिंग नंबर हमारा दूसरा है, यदि आपको कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत हो, जानना समझना हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको अपना कॉलिंग नंबर दे देंगे। यहाँ पर आप क्या लिख करके मैसेज करेंगे, जे टेट मेंस लिख करके मैसेज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नए क्लास के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।